नंबर 14 देखते हैं, 14। गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका आयतन के बढ़ने की दर निकाले जबकि त्रिज्या आपकी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। जो गोलाकार साबुन का बुलबुला है तो गोलाकार साबुन का बुलबुला आपका कैसा दिखेगा, आपका एक गोला के आकार का दिखेगा, तो यहाँ गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए तो मान लेते हैं, माना गोलाकार गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बुलबुले की त्रिज्या बुलबुले की त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के रेस्पेक्ट में कितना दिया है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके आयतन में बढ़ने की दर निकालनी, यानी डीबी बटा डीटी निकालना है, जबकि त्रिज्या जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, गोलाकार गोलाकार साबुन के बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन देखे ही होंगे यार, उड़ाए हैं हम लोग बहुत बचपन में, बुलबुले का आयतन सब उड़ाए होंगे, है ना जी। चलिए बुलबुले का आयतन तो यहाँ पे भी बराबर में कितना हो जाएगा, तो आपको गोले का आयतन पता है ना, 4/3 πr³, यही ना होता है 4/3 πr³। अच्छा बुलबुले जो उड़ाए हो तो यार हम लोगों ने तो बस वही घास को बांध कर ऐसे और उसमें छोड़ा हुआ है ये घोल कर, क्या कहते हैं उसको, सरफ को घोल कर और घास को ऐसे बांध कर उसको उड़ाया हुआ है। लेकिन भाई अब बच्चे ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए तो आजकल ये बिक रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये में ये बुलबुले। ठीक है, चलिए वो सब हटाइए, पहले यहाँ देखा जाए, हम लोगों ने तो ऐसे ही उड़ाया, हम लोग के माँ बाप उसके लिए पैसा थोड़े दिए। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू किसके, तो टाइम टी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा भैया डी बी बाई डी टी बराबर 4/3 πr³ आर क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3r² इंटू में डी आर बाई डी टी, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। चलिए अब वैल्यूओं को रख देते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे करो, अरे यार हाँ ठीक है, 4π आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर यहाँ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी तो यह है आपका 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 5 का स्क्वायर 25, 2500 का 100, 100 में 0.2 से गुना करेंगे 20 πcm³ प्रति सेकंड, आयतन है ना जी। चलिए आयतन में परिवर्तन की दर आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर